रावत्सर नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य दाताराम मेघवाल शंकर गिरी व वार्ड 29 से पार्षद प्रतिनिधि राकेश कसवा ने नगर पालिका रावत्सर द्वारा बनाए गए गंदे व बरसाती पानी निकासी के प्रोजेक्ट पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। प्रतिनिधिमंडल ने पंपिंग स्टेशन में रही खामियों के कारणों को जानने के लिए पानी के स्टोरेज के लिए चक 23 DWD में पालिका द्वारा बनाए गए डैम का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि विगत वर्ड में 4.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाए गए पंपिंग स्टेशन के फेल हो जाने के कारण कस्बे में जल भराव की समस्या बनी थी। नवनिर्वाचित चेयरमैन श्याम सुंदर मेघवाल द्वारा कस्बे से पानी की निकासी की समस्या को लेकर स्थायी समाधान दिलाने के उद्देश्य से प्रयास किए जा रहे हैं। गांव की जो प्रमुख समस्या है जो पानी निकासी की, उसके बारे में आज पता किया है कि क्या क्या समस्याएं आ रही है, उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। इसलिए जो पानी, जो गंदा पानी की जो निकासी है वो डैम बने हुए है और वो कितनी दूरी के ऊपर है, और इसकी समस्या जो आ रही है जो गांव के अंदर पानी की दिक्कतें, और पीछे मुद्दा भी बहुत उठा है और लगभग 4.5 करोड़ रुपये की जो लागत लगी है और उसका सदुपयोग नहीं हुआ है। क्या कमियाँ रहेगी, उस कमियों को दूर करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ दाताराम जी आए हैं जो चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि के रूप में, शंकर भाई जी आए हैं, सारे देख करके और सुझाव लेकर के चेयरमैन साहब को अवगत कराएंगे जो